सुंदर चौक सर हमारे बीच में है, देख सकते हैं उनको। आप लोगों की मेहनत है सारी, मेहनत है, बड़ी तपस्या है, बहुत तपस्या है, कुछ नहीं चाहिए। चौधरी साहब क्या कहेंगे आज सुंदरबनी की निशहरा की धरती पर पहुंचे? हवा में निशहरा सुंदरबनी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत स्वागत है, पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सुंदरबनी पहुंचे। चले जाओ, थले आओ, हाँ आओ, ऊपर ही चढ़ जाओ। क्या कहेंगे, आपने बड़ी जीत सुंदर नौशहरा से हासिल की है और आज उप मुख्यमंत्री के रूप में आपने शपथ लेकर के सुंदरबनी नौशहरा की धरती पर पहुंचे। मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। और आई खिता पीर पंचाल के लिए फ़ख्र की बात है कि 75 साल में पहला ड्यूटी चीफ मिनिस्टर इस खिते को मिला है। और मुझे जम्मू के लोगों के लिए भी मेरी जिम्मेवारी है पूरे जम्मू प्रोवेंस के लिए, लिहाजा मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर निशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिन्होंने इस पूरे माहौल में, कैसा माहौल था आप सब जानते हैं, उस माहौल में सुरेंद्र चौधरी को जिताया और मेरे लीडर ने आज मुझे ड्यूटी सीएम बनाया और जो महकमे मुझे दिए हैं उसके लिए मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं लोगों को, चाहे वो सुंदरबनी के हैं, चाहे वो कालाकोट के हैं, चाहे वो निशहरा के हैं, चाहे खिता पीर पंचाल के हैं या जम्मू प्रोवेंस के हैं, जहां जहां भी लोग ये मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा, याद रखिए ये गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं है, ये हमदर्दी की सरकार है, ये प्यार की सरकार है, ये मोहब्बत की सरकार है। ये सरकार इन बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए काम करेगी, ये सरकार बिजली पानी और स्कूल सड़कों के लिए काम करेगी, ये सरकार हॉस्पिटलों के लिए काम करेगी, ये सरकार अपना जो भाईचारा हमारा, जो अनेकता में ही एकता हमारा जो नारा है इस देश का, उसको फिर से मजबूत करेंगे और जो इस इलाके में नुकसान हुआ है इन 10 सालों में उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा मैं आप सब आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी काम हो मेरे लायक हो, कभी शर्माना नहीं, चाहे किसी ने वोट डाला या नहीं डाला, क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे था, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी की लीडरशिप थी उसके साथ हमारा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया। जहाँ तक दिल्ली का सरकार का सवाल है, मेरा अपना जो जाति राय है, मैं किसी अपनी पार्टी के लिए मैं जाति राय कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर कोई काम दिए तो उन्होंने अपने घरों में ही काम किए, लोगों के काम नहीं होने दिए। तो लिहाजा आज जो हमारी स्टेट की डिमांड है, मैं मेरे लीडर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपने उमर साहब ने कहा, उन्होंने आपने सुना भी होगा, उनका बयान भी आया और हमने भी कहा है कि स्टेट बहुत जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि ये वादा हमारा नहीं, ये वादा इस देश के होम मिनिस्टर का है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, जम्मू कश्मीर के नौकरियां बाहर के लोग नहीं ले सकते। उन्होंने ही कहा था जम्मू जब हालात ठीक हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में हम स्टेट देंगे। आज हालात ठीक हैं, आपके सामने असेंबली इलेक्शन हुए हैं और इन असेंबली इलेक्शन के अंदर बहुत भारी मात्रा में वोट पड़े हैं और आज हम इलेक्ट होके आए हैं, तो इसका मतलब हालात ठीक हैं। तो लिहाजा अब उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब दिल्ली की सरकार अपना वादा निभाएगी और जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट देगी, जिससे लोगों का काम हो सकता है। शुक्रिया। मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है, अब हमें महकमे मिले हैं,
चांद रोग रुक जाइए, आपको खुद पता लगेगा, आपको खुद पता लगेगा कि सरकार जो बदलाव कर रही है वो आपको जमीन में दिखेगा। चाहे कोई भी गलत काम है, गलत काम नहीं होने देगा। मैंने कहा कि जो भी है मुझे रिव्यू लेने दीजिए, मुझे ऑफिसरों के साथ बैठने दीजिए, बात करके जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।